इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान आईपीएल प्लेऑफ से पहले अपने देश लौट चुके हैं। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज खेली जाएगी, लेकिन इस सीरीज से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर चोट का शिकार हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज में जॉस बटलर को बाहर बैठना पड़ सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या टी20 वर्ल्ड कप तक जॉस बटलर फिट हो पाएंगे या नहीं। अगर जॉस बटलर टी20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध नहीं हुए तो इंग्लैंड की टीम के लिए एक बड़ा झटका होगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच 22 मई को खेला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉस बटलर पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे, साथ ही इस बात के आसार बेहद कम है कि जॉस बटलर इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज में भी खेल पाएंगे। हालांकि अब तक जॉस बटलर के चोट पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बताते चले कि पिछले दिनों आईपीएल के बीच जॉस बटलर टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर अपने देश लौट गए थे। संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स के लिए जॉस बटलर का प्लेऑफ से पहले इंग्लैंड लौटना बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अब इस दिग्गज बल्लेबाज के चोटिल होने की खबर सामने आ रही है। बताते चले कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 4 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला 22 मई को हेडिंगली में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें 25 मई को एजबेस्टन में अपना दूसरा मुकाबला खेलेंगी। तीसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें कार्डिफ में पहुंचेंगी। वहीं इंग्लैंड और पाकिस्तान सीरीज का आखिरी मुकाबला 30 मई को लंदन में खेला जाएगा। इसके बाद इंग्लैंड टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए यूएसए रवाना होगी, जहां 4 तारीख को इंग्लैंड अपने वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले से करेगी। लेकिन इससे पहले जॉस बटलर की चोट इंग्लैंड की परेशानियों में इजाफा करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आईपीएल और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।